नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम सीखने वाले हैं WH टाइप क्वेश्चंस या वे फ्रागन। किसी भी भाषा में अगर आपको बातचीत शुरू करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रश्न या सवाल। तुम कहां से आए, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है, इन सब सवालों से ही आप बातचीत शुरू करते हो। तो ये जो सवाल होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। एक यस नाइन क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल जिनका आंसर आप हां या ना में दे सकते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो ना, तुम्हारा नाम केदार है ना, ये उनके एग्जांपल्स हैं। और दूसरे सवाल हैं जिनमें आप एक्चुअली इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तुम क्या करते हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में WH टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं या जर्मन में वे फ्रागन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ ये सवाल जो है वो WH से शुरू होते हैं, व्हाट, हाउ, व्हेन इन इंग्लिश। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं WH क्वेश्चन सीखना। तो हिंदी में आप कैसे पूछते हो, भाई तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, और उसका आंसर क्या देते हो तुम? मैं क्रिकेट खेलता हूं। इंग्लिश में आप ये कैसे पूछोगे? व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, आप आंसर दोगे आई प्ले क्रिकेट। करेक्ट है, पर ये डू कहां चला गया? सवाल में तो चार शब्द थे, व्हाट डू यू प्ले, आंसर में तो आया आई प्ले क्रिकेट, डू कहां चला गया? हिंदी में देखो, तुम क्या खेलते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, चार शब्द, चार शब्द। तो ये जो डू है वो अंग्रेजी की लिमिटेशन है। अंग्रेजी भी पूछ सकता था व्हाट प्ले यू, व्हाट प्ले यू, पर अंग्रेजी ने नहीं पूछा। ये अंग्रेजी का लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन जर्मन में नहीं है। जर्मन में तुम डायरेक्ट वैसे ही पूछ सकते हो वास स्पीलस्ट डू, सिंपल है। पहली पोजिशन पे क्या मतलब वास, वॉट, दूसरी पोजीशन पर डायरेक्ट वर्ब डू की जरूरत ही नहीं, स्पीलस्ट। और स्पीलस्ट क्यों हुआ? क्योंकि डू है, वास स्पीलस्ट डू, तुम क्या खेलते हो, सिंपल है ना। पहली पोजीशन पर WH क्वेश्चन, दूसरी पोजीशन पर वर्ब, तीसरी पोजीशन पे नाउन, वास स्पीलस्ट डू, तुम क्या खेलते हो, वास ट्रिंक्स डू, तुम क्या पीते हो। क्लियर है सबको? अभी मैं आपको एक और इजी चीज बताता हूं जिससे आपका काम और आसान हो जाए। तो जनरली हम क्वेश्चंस फॉर्मल सिचुएशन में पूछते हैं। तो कैसे होगा कि जब आप किसी को पूछ रहे हो क्वेश्चन, अगर आप फॉर्मली पूछ रहे हो तो उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई आप उसको आदर दे रहे हो, और आपके लिए भी अच्छा, क्योंकि अगर आपको याद होगा डू का फॉर्मल रूप क्या है, कैपिटल जी, और वो चलता कैसे है, वीओ की तरह, मतलब इन्फिनिटिव फॉर्म में रहता है। तो डू के लिए आपको स्पील्स्ट करना पड़ा, पर जी के लिए स्पीलन ही। तो वास स्पील्स्ट डू, तुम क्या खेलते हो, वास स्पीलन जी, आप क्या खेलते हो, वास ट्रिंक्स डू, तू क्या पीता है, वास ट्रिंकन जी, आप क्या पीते हो, वास एसन जी, आप क्या खाते हो। अपने लिए भी अच्छा कि हमको चलाना नहीं पड़ा वर्ब को, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, सामने वाला भी खुश कि भाई उसको आदर से हमने बुलाया। तो सबको कंसेप्ट क्लियर है? पहले पोजीशन पे WH टाइप क्वेश्चन, दूसरी पोजीशन पे वर्ब, तीसरी पोजीशन पे नाउन, और फिर बाद में जो भी आपका कुछ अगर एक्स्ट्रा हो तो। अगर ये क्लियर है तो बाकी एकदम सिंपल है। अभी हमको बाकी सारे WH टाइप क्वेश्चन सीखने हैं, वर्ड्स जो है उनके। तो एक तो हमको पता है वास मतलब What? Next important is वो, कहां, where, okay? और उसके ही दो variants होते हैं, कहां से, वोहर, from where, या फिर कहां को, वोहिन, to where, okay? Next है वारुम, क्यों, क्यों, या फिर वी, वी मतलब कैसे, हाउ, ओके। नेक्स्ट है वन, वन मतलब कब,
व्हेन, और फिर है वेर, वेर मतलब कौन, हु। सिर्फ हमको ये वर्ड्स याद करने हैं। मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूं, इस बार सिर्फ जर्मन और इंग्लिश रखता हूं। वो मतलब वेर, उसके दो वेरिएंट्स हैं, वोहर मतलब फ्रॉम वेहर, वोहिन मतलब टू वेर, वारुम मतलब वाई, वन मतलब वेन, वी मतलब हाउ, और वेर मतलब हु। वास मतलब व्हाट तो हमको पता ही है। तो चलो इनके हम यूजेस देखते हैं। क्रिकेट ही खेल लिया जाए, ओके। व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, याद रखो डू कंसेप्ट ही नहीं है, तो क्या होगा, वन स्पीलन जी क्रिकेट। फिर से फॉर्मेट समझ लो, पहली पोजीशन पे वर्ब, दूसरी पहली पोजीशन पे WH क्वेश्चन, दूसरी पोजीशन पे वर्ब, तीसरी पोजीशन पे नाउन, और फिर सब कुछ तुम्हारा। वन स्पीलन जी क्रिकेट, क्यों खेलते हो भाई क्रिकेट। वारुम स्पीलन जी क्रिकेट, कैसे खेलते हो क्रिकेट। वी स्पीलन जी क्रिकेट, कहां खेलते हो क्रिकेट। वो स्पीलन जी क्रिकेट, सिंपल है राइट, सिर्फ डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन बदल रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलो पिज्जा ही खा लिया जाए, क्यों खाते हो पिज्जा। वारुम इसन जी पिज्जा, कब खाते हो पिज्जा। वन इसन जी पिज्जा, कहां खाते हो पिज्जा। वो इसन जी पिज्जा, ऐसे आप किसी भी चीज का, जैसे जैसे आपकी आदत हो जाएगी आपको वो आसान हो जाएगा। क्यों पीते हो पेप्सी, वारुम ट्रिंकन जी पेप्सी। कैसे खाते हो पिज्जा, वी एसन जी पिज्जा। और लास्ट में कौन हो तुम, तू कौन है, अगर विदाउट रिस्पेक्ट पूछना है तू कौन है, वेर बिस्ट दू, क्यों, क्योंकि दू बिस्ट, वेर बिस्ट दू। और अगर पूछना है आदर से आप कौन है, वेर जेंड जी। क्लियर है, देखो बेसिक फॉर्मेट एकदम सिंपल है। अगर आपको पूछना है कहां खेलते हो क्रिकेट, वो पहले क्वेश्चन स्पीलन जी क्रिकेट, एकदम सिंपल कंसेप्ट, क्लियर है सबको, एकदम इजी। अभी आपको एक और थोड़ी सी आगे की इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है पर मुझे लगता है कि हमने आज वो सीखना चाहिए। तो एक छोटी सी बात, जब आप इंग्लिश में बोलते हो विच वॉच डू यू हैव, विच वॉच डू यू हैव, या फिर हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तो आप ऐसे थोड़ी ही करते हो कि भाई विच तो आ गया तो सेकंड पोजीशन पे तो डू आना चाहिए, नहीं राइट, क्योंकि विच वॉच एक ही पोजीशन है, या फिर हाउ मेनी कार्स एक ही पोजीशन है। हिंदी में भी सेम ही है, कितनी घड़ियां हैं तुम्हारे पास, कितनी घड़ियां एक साथ बोलते हो तुम, या फिर कौन सी घड़ी है तुम्हारे पास, अगेन कौन सी घड़ी तुम एक साथ ही ले रहे हो। कंसेप्ट क्लियर है सबको, मैं फिर से इंग्लिश से बताता हूं। आप ऐसे नहीं पूछते हाउ कार्स डू यू हैव मेनी, या फिर हाउ डू यू हैव मेनी कार्स, नहीं करते। क्यों, क्योंकि हाउ मेनी कार्स ये एक पोजीशन है। कंसेप्ट क्लियर है सबको, Which watch एक पोजीशन है, सेकेंड पोजीशन पे वर्ब भी आ रहा है डू, पर वो नंबर नहीं पकड़ो, एक पोजीशन तीन वर्ड की हो सकती है। आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको ये कंसेप्ट इंग्लिश में क्लियर है तो जर्मन में भी सेम है। जर्मन में विच को बोलते हैं वेल्शर, एक्चुअली उसका भी वेल्शर वेल्शर वेल्शस होता है, वो जब हम केसेस सीखेंगे तब सीखेंगे, अभी के लिए वेल्शे इज गुड इनफ। तो विच वॉच डू यू हैव, वेल्शे ओवर एक पोजीशन हाबन जी, वेल्शे ओवर हाबन जी। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, हाउ वी मेनी मतलब फील, कार्स इज आउटोज, वी फील आउटोज हाबन जी। कंसेप्ट क्लियर है सबको, वी फील आउटोज एक ही पोजीशन है। आई होप सबको कंसेप्ट समझ में आए हैं। क्विकली हम रिवाइज करते हैं सब कुछ। सबसे पहले हमने क्या बोला कि वास स्पील्स डू, हमको इंग्लिश के जैसे डू की जरूरत ही नहीं, व्हाट डू यू प्ले की जरूरत ही नहीं, व्हाट प्ले यू, वास
spielst du. फिर हमने बोला कि बाबा उसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, आप पूछते हैं was spielen sie. उसके बाद हमने सारे WH type question देखे, wann, warum, wo, wie, ये सारे WH type question हमने देखे. और at the end हमने बोला, रूल हमने क्या बोला, पहली पोजीशन पे WH question का वर्ड, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, तीसरी पोजीशन पे नाउन, और बाद में जो भी आपका हो वो. और दो एक्सेप्शन हमने छोटी सी देखी कि बाबा welche Uhr haben Sie और wie viel Autos haben Sie, दोनों में welche Uhr और wie viel Autos एक ही पोजीशन है, तो रूल अभी भी फॉलो हो रहा है. आई होप सबको ये डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे यस नाइन क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट. धन्यवाद.